हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फन बाय आराध्य। आई एम अनुज और आज मैं आया हूं दोस्तों मूवी देखने के लिए। आज मैं आया हूं और आज साइकिलिंग की है काफ़ी दिनों के बाद। ये देखिए हमारी जो साइकिल है तो काफ़ी दिनों के बाद आज हमने साइकिल की तो काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा वार्म अप भी हो गया है और अब चलते हैं मूवी देखने। यहाँ पे आई म्यूजिक का सिनेमा, ब्रॉथ का एकमात्र सिनेमा, तो यहाँ पे लगी हुई है एनिमल। तो चलिए देखते हैं और देख के बताएंगे आपको कैसी मूवी है। तो भाई हम मॉल के अंदर आ गए हैं दोस्तों। ये आई म्यूजिक का सिनेमा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। चलते हैं भाई अंदर एनिमल देखने और देखो कितना अंधेरा है। इसने भी पापा पर गोली चलाई, अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। इंटरवल मूवी हो गई है खत्म। एनिमल मूवी काफी अच्छी लगी, कैसे दरखे और उसमें बहुत सारे एक्शन सीन थे अंदर जो है, काफी हमने एंजॉय भी किया। मोरल जरूर है इस मूवी से कि अपने पापा के प्रति, अपने फादर के प्रति कितना प्रेम रणबीर कपूर इस मूवी में दिखाता है, तो ये रियली तारीफ के काबिल था। बहुत ज्यादा प्रेम पापा का, मींस अपने फादर के लिए बिल्कुल अंधा होकर साइको हो जाता है वो इसमें। हाँ, एक तरह से साइको था। तो इतना प्रेम पहले कभी ना किसी मूवी में देखा है ना किसी रियल लाइफ में देखा है अपने फादर के लिए, जितना प्रेम रणबीर कपूर ने इस मूवी में दिखाया है, तो रियली दैट वाज फैंटास्टिक एंड प्रेज़वर्दी। अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज की गई है, इसलिए आई एडवाइज द चिल्ड्रन टू गेट अवे दिस मूवी। पिता के प्रति प्यार दिखाया गया बेशुमार, यानी साइको वाला प्यार जिसे कहते हैं। मूवी इमोशनल भी है, मूवी में जो है रोना भी आ जाता है रियल में। अपने पापा के प्रति प्रेम देखकर मैं तो रोने लग गया था। दैट्स स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का जो रोल इंटरवल से स्टार्टिंग का एंड लास्ट का भी जो है, लास्ट का रोल भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाला था लास्ट का और स्टार्टिंग का भी। देखकर आए हैं कुछ हमारे साथ अभी दोस्त हैं तो इनसे पूछ लेते हैं, तो आपको कैसी लगी भैया? बढ़िया है जी, रिव्यू एक नंबर का। कुछ पापा का और वैसे इसमें बच्चे छोटा लग रहे हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज की गई है और काफी ज्यादा वैसा गोली भी इतनी गोली चलती है इस मूवी में, शायद ही किसी मूवी में पहले इतनी गोली हमने देखने को मिली हो। कॉलेज वगैरह में भी जाते हैं, एकदम कॉलेज में भी लेके जाते हैं, इसलिए काफी चर्चा है इसकी मूवी। इस मूवी काफी चर्चा है क्योंकि अभी तक बॉक्स ऑफिस में 797 करोड़ कमा चुकी है और 100 करोड़ का इसका बजट था। कहाँ से आए आप? बावली से। अच्छा भाई, बावली से अभिषेक तोमर। अभिषेक, हाँ जी, आप बताइए सर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी वो माँ बाप के प्रति प्यार ने थोड़ा अच्छा था, एक तरह से अंधा प्यार था बिल्कुल बाप के प्रति, पापा के प्रति अंधा प्यार था इसमें। इसे देखने कुछ हमें प्रेरणा मिलेगी पापा के प्रति, बहुत अच्छी है। बस थोड़ी सी जो है इसमें हिंसा ज्यादा दिखाई गई है, तो गोलीबारी ज्यादा होती है, तो इसमें जो मूवी का शो है वो खत्म हुआ है। तो हम आगे हैं सिनेमा से बाहर, अभी सिनेमा हॉल के हम बाहर ही हैं, गेट के अंदर ही है लेकिन। तो भाई आपका नाम? प्रशांत शर्मा। प्रशांत शर्मा कहाँ से आए हो? नैनवा से, बागपत के पास। अच्छा अच्छा, तो मूवी कैसी लगी भाई? मूवी बहुत अच्छी। मूवी के बारे में दो बातें आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों? मूवी अच्छी लगी, रणबीर कपूर की एक्टिंग जबरदस्त थी, अनिल कपूर की एक्टिंग जबरदस्त, एक्शन जबरदस्त। और इसमें जो सबसे आपको एक चीज जो सबसे बेहतरीन लगी वो बता दीजिए। एक्शन और एक्टिंग रणबीर कपूर की। अच्छा, बेटे का रिश्ता इमोशनली था। अच्छा, लेकिन डाब हल्का सा थोड़ा स्लो गया, बाकी तो अच्छा था। भाई और हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवम शर्मा। शिवम जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं बागपत से हूँ। बागपत जी, तो इतनी दूर से यहाँ पे बड़ौत में मूवी देखने आए हो? बस अपने पास में यही पड़ता है ना सिनेमा हॉल, तो आस पास में नहीं, बागपत में नहीं है? नहीं, तो भाई आई म्यूजिक का सिनेमा में हम रहे और देखो काफी दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, तो आप मूवी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मूवी के बारे में बहुत ही ओवरऑल अच्छी है, कुछ टेक्निकल चीज़ें, एज ए एडिटर हैं हम दोनों भाई। अच्छा, तो हमें जो बताते हैं कि एक तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत शानदार, और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो एक्शन जो स्क्रीन प्ले था वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एक्टिंग तो नो डाउट रणबीर कपूर की, और मुझे बेस्ट एक्टिंग बॉबी देओल की भी लगी, जो लास्ट का जो फाइटिंग वाला सीन था, और जो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि जो एक मशीन गन की टाइप उन्होंने बनाई है वो अलग ही है, ऐसा हॉलीवुड में भी हमें देखने को नहीं मिला भाई। इस मूवी की एक खास बात मुझे भी लगी जो भाई ने बताया कि एक ऐसी मशीन गन दिखाई गई है जो आज तक किसी मूवी में, किसी हॉलीवुड मूवी में भी नहीं देखा और ना ही हमने साउथ की मूवी में देखा, तो बिल्कुल अनोखी चीज थी। और
उसमें ये भी बताया गया था कि 100% इंडियन। ओवरऑल मेरे को तो बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा पावरफुल लगा, उसमें जो हाई इंटेंसिटी म्यूजिक था जो, और उसके बाद में स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बहुत ही अच्छा, थोड़ी सी लेंथ कम हो सकती थी मूवी की, कुछ सीन्स थे जो खींच गए थोड़े से, तो हाँ थोड़ी सी लेंथ छोटी हो सकती है, बट ओवरऑल मूवी बहुत बेस्ट है, सबको देखनी चाहिए, बहुत ही बेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।